उसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि नांगल चौधरी में 50 से ज्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है घरों के अंदर, होम क्वारंटीन किया गया है। नालागढ़ में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, बता दें बड़ी खबर। कई गांव में ये व्यक्ति दूध सप्लाई किया करता था, हरियाणा का रहने वाला ही है, ये दूध सप्लायर है और कोरोना पर नालागढ़ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर नालागढ़ से, जहां 50 से ज्यादा घरों को क्वारंटीन किया गया है। नालागढ़ में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जो कि एक मिल्क सप्लायर है और ये कई गांव में दूध को सप्लाई करता है, हरियाणा का रहने वाला है ये दूध सप्लायर, और इसके बाद से पूरे इलाके को क्वारंटीन किया गया है और 50 से ज्यादा घर ऐसे हैं जो क्वारंटीन की जद में आए हैं और इन सभी घरों को क्वारंटीन किया गया है और लोगों को हिदायत दी है कि घरों से बाहर ना निकले। आपको बता दें कि ये दूध सप्लायर कई गांव में दूध सप्लाई किया करता था, जिसके बाद से जहां जहां सप्लाई किया करता था ये व्यक्ति, उन सभी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है और साथ ही साथ 50 से ज्यादा घरों को क्वारंटीन किया गया है। बड़ी खबर ये नालागढ़ से आ रही है जहां एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब फिलहाल इस व्यक्ति की ट्रेवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि ये व्यक्ति किन किन लोगों से मिला था, किन किन लोगों के संपर्क में आया था, और इसी के अनुसार जिन घरों में ये दूध सप्लाई किया करता था उन्हें भी होम क्वारंटीन किया गया है, उन लोगों को भी होम क्वारंटीन किया गया है। उसके अलावा 50 घर ऐसे हैं जिन्हें क्वारंटीन किया गया है। बड़ी खबर हरियाणा से, जहां एक दूध सप्लायर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसके बाद से 50 से ज्यादा घरों को क्वारंटीन किया गया है। नालागढ़ में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा से। आपको बता दें कि व्यक्ति कई गांव में दूध सप्लाई किया करता था और हरियाणा का ही रहने वाला है ये व्यक्ति, जिसके बाद से अब 50 घरों को क्वारंटीन किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नालागढ़ से जगत सिंह बैंस जुड़ गए हैं। जगत सिंह, और क्या जानकारी आ रही है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर का मामला है, क्योंकि हरियाणा के गांव एक उपमंडल जो कालका पड़ती है उसमें एक व्यक्ति जो दूध का काम करता था वो सप्लाई लेकर नालागढ़ उपमंडल के अंतर्गत कालू जिंदा और एक गांव, दो गांव में वो दूध सप्लाई करने के लिए आता था। कोटिया गांव, एक कालू जिंदा और कोटिया गांव में दूध की सप्लाई करने के लिए आता था। करीबन 20 के ज्यादा परिवार उस दूध वाले के संपर्क में रहते हैं। हालांकि हरियाणा के बाद जब उनकी जो ये बताया जा रहा है, जांच की गई, तो उसमें ये व्यक्ति जमाती पाया गया जो कि दिल्ली गया होता। उसके बाद इसे नाडा साहिब क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया। उसके बाद जब इनकी टेस्टिंग की गई तो वहां पर तीन लोगों को पॉजिटिव, उनकी जो रिपोर्ट आई थी, तीन लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उन्हें अभी हरियाणा के पंचकूला के 6 सेक्टर में उनका जो इलाज चल रहा है। कहीं ना कहीं जो ये दूध देने वाला व्यक्ति का दूध सप्लाई करने का के लिए यहाँ पर हिमाचल में आता था, कालू जिंदा गाँव और कोटिया गाँव में ये दूध सप्लाई करने के लिए आता था। जब उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद यहाँ पर हड़कंप मच गया और जो स्थानीय प्रशासन है वो अलर्ट हो गया। उसने मौके पर, प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे तो वहां पर जाकर पूरे गांव को सील कर दिया गया और उसके बाद जो लोग इसके संपर्क में आए थे उनको उनके ही घरों में क्वारंटाइन 14 दिनों के लिए कर दिया गया है। हालांकि इसमें 20 परिवार इसके संपर्क में आए थे, जिनमें से 5 जो परिवार है वो प्रवासी बताए जा रहे हैं, जो की यहाँ पर फैक्ट्रियों में काम करते थे उनके परिवार वाले हैं, जबकि 15 लोग जो यहाँ के स्थानीय बताए जा रहे हैं। करीबन 100 लोगों को क्वारंटाइन यहाँ पर कर दिया गया है। अभी भी जो प्रशासनिक अधिकारी है ये खंगालने में लगा हुआ है कि कहीं और लोग इसके संपर्क में तो नहीं आए थे। फिलहाल 100 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। मौके पर प्रशासन की ओर से मेडिकल स्टाफ की टीमें और आशा वर्कर्स, डॉक्टर्स की टीम मौके पर है और समय समय पर इन लोगों की वो जांच करेगी। जगत सिंह, जो जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है, सिर्फ क्वारंटीन किया गया है या फिर कुछ लोगों के टेस्ट भी कराए गए, क्योंकि ये व्यक्ति कई लोगों के संपर्क में आया था? हाँ जी, संपर्क आने का कारण यही था कि ये व्यक्ति हरियाणा से जाकर हिमाचल में दूध सप्लाई किया करता था और जो लोग इससे दूध लिया करते थे इसके संपर्क में आए, करीबन 20 परिवार इसके संपर्क में आए थे और उसमें जो 20 परिवारों के जो लोग हैं, करीबन 100 लोग हैं जिनको क्वारंटीन उनके घरों में ही कर दिया गया। अभी जो अधिकारी है उनका यही कहना है कि अभी तक तो ऐसे किसी के लक्षण नहीं आए हैं, अभी किसी की टेस्टिंग नहीं की जा रही, लेकिन अभी जो सभी लोग हैं इनको क्वारंटीन कर दिया गया है। अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी
परेशानी आएगी उसके लिए मेडिकल स्टाफ मौके पर है, आशा वर्कर्स की निगरानी में ये सारे 100 लोग रहेंगे और समय समय पर इनकी जो टेस्टिंग है वो की जाएगी। अभी 14 दिन का क्वारंटीन इनका जो समय रखा गया है, उनके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है और उसके बाद इसकी टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि कितने लोग इस जो कोरोना वायरस है इसकी चपेट में आए हैं। अभी कहीं ना कहीं 100 लोगों को क्वारंटीन कर लिया गया, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी इंडस्ट्रियल एरिया में बसी हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ज्यादातर जो मामले हैं हरियाणा या अदर जो बाहरी राज्यों से लोग आते हैं उनकी वजह से यहाँ पर आए हैं। पिछले दिनों की बात की जाए तो गद्दी में एक महिला की मौत हुई थी, पीजीआई चंडीगढ़ में उसकी डेथ होगी, जो उसके संपर्क में उसके परिवार वाले और जो उसके सूख थे और जो अस्पताल में जहां पर उसको प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया था उसके लोग आए थे। अभी जो पिछले दिनों रिपोर्ट 2 लोगों की पॉजिटिव आई है, जिसमें से एक महिला है और एक रिसेप्शनिस्ट है और एक उसी अस्पताल का कर्मचारी है। 2 लोगों का इलाज बच्ची के ईएसआई अस्पताल में चल रहा है। कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन अलर्ट है। बिल्कुल जगत, बहुत बहुत शुक्रिया जगत इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि 100 लोगों पर नजर रखी जा रही है आशा वर्कर्स के द्वारा, और इसके अलावा 50 ऐसे परिवार हैं जिन्हें क्वारंटीन किया गया है और नजर रखी जा रही है। 14 दिन का समय दिया गया है क्वारंटीन के लिए, उसके बाद देखा जाएगा, नजर रखी जा रही है कि किन लोगों में परेशानी हो रही है और फिर उसी के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रीटमेंट दिया जाएगा।